फ्रेंड वेलकम टू बैक रुजा। बच्चे ने कितना देर तक एक ब्रेस्ट फीडिंग सेशन करना चाहिए इसको लेके बहुत सारे डाउट्स मदर्स के दिल में आते हैं। सो क्या मेरा बच्चा 30-40 मिनट दूध पीता है मतलब बहुत अच्छा है, और मेरा बच्चा अगर 10 मिनट दूध पीता है मतलब बहुत बुरा है, क्या ये सच है? द आंसर इज नो। याद रखो ऑल ऑफ यू, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चे ने कितनी देर दूध पीना चाहिए ये कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे ब्रेस्ट फीडिंग का एक सेशन का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, और अगर बच्चा बहुत लंबा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो ऑल ऑफ यू, बच्चा कितनी देर दूध पीता है? चलो पहली बात ये समझ लो कि बच्चा पहली बार पेट के बाहर आके सकिंग कर रहा है। तो सकिंग एक ऐसा चीज है जो बच्चा पेट के अंदर कई दिनों तक कई महीनों तक सीकर, और बच्चे के मुंह के आसपास देयर इज अ ओरो रिफ्लक्स। सो ये रिफ्लक्स क्या करता है, आप बच्चे के आसपास कोई भी चीज लेके आ जाओ बच्चा इमीडिएटली टर्न हो गया ये करने लग जाता है। और बहुत सारे लोग इस चीज को मिथ की तरह समझता है कि बच्चा भूखा है तभी वो ऐसा करता है। नहीं, बच्चे ने मुंह खोल के करना ये उस रिफ्लक्स का हिस्सा है जो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, बिकॉज बच्चे का वो रिफ्लक्स बच्चे के ब्रेन में से सेटिस्फैक्शन के हार्मोन को रिलीज करता है। चलिए आपको थोड़ा इजी वे में समझाता है। आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, कितना देर कर रहा है उसकी तरफ जाएंगे, उसकी वजह से बच्चे के ब्रेन में से एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, और जो बच्चे को कंटेंटेड सेटिस्फाइड और सिक्योर फील कराता है। तो बच्चे ने सकिंग करना ये बच्चा खुद होके ज्यादा समय के लिए करता है बिकॉज उसको ये फीलिंग आता है, तो ये तो बहुत पॉजिटिव चीज है अपने लिए। बट ये बच्चे के लिए एडिक्शन भी हो सकता है जहाँ पे बच्चा एक एक घंटा बैठ के सक कर रहा है। तो मैंने मदर्स को पूछा आपका बच्चा क्या एक घंटा सब करता है? हाँ श्रेया, एक घंटा सब करता है तभी मुझे लगता है मेरे बच्चे का पेट भर गया। एंड देन आई लास्ट, क्या आपका बच्चा कॉन्स्टेंट सकिंग करता है? नो, सकिंग फिर सो जाता है, सकिंग फिर सो जाता है। तो बच्चा अगर दो दो तीन तीन मिनट बीच में सो के ब्रेस्ट फीड करेगा तो आपको रियलाइज होगा कि बच्चे ने एक घंटा दूध पीने के बाद भी बच्चा चुप नहीं बैठ रहा। इसका मतलब क्या है, एक घंटे में उसका पेट भर गया ये सही है? नहीं, शायद से पेट भरा भी होगा बट जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए वो बच्चे को मिला ही नहीं है। ऑन द अदर एंड कुछ पेरेंट्स मुझे मैसेज करते हैं, श्रेया मेरा बच्चा सिर्फ 10 मिनट ही दूध पीता है, 5 मिनट में किसी बच्चे का पेट भर सकता है क्या? तो मेरे बच्चे ने 5-10 मिनट में खुद होकर ब्रेस्ट फीड छोड़ दिया। बच्चे ने ब्रेस्ट फीड छोड़ दिया इसीलिए मम्मा ने जबरदस्ती फॉर्मूला मिल्क पिला के बच्चे को 3 घंटे सुला दिया। क्यों? श्रेया फॉर्मूला में देने के बाद बच्चा एटलीस्ट 3 घंटे सोया, और मेरा दूध 5-10 मिनट पीने के बाद बच्चा 1 घंटे में उड़ गया, मतलब बच्चे का पेट नहीं भरा। इज इट ट्रू? नो। ये दोनों ही एक्सट्रीम्स मैंने आप लोगों को अभी वीडियो में बताया, जो मैंने मेरे स्टूडेंट्स के या जो काउंसिलिंग के लिए कंसल्टेशन आते हैं उन लोगों के मुँह से सुना है। तो ये चीज़ आप लोग जितना जल्दी समझोगे उतना बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो पेरेंट्स थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ के लेते हैं, बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग कितना ड्यूरेशन रहेगा ये डिपेंड करता है बच्चे का जॉ स्ट्रेंथ कितना अच्छा। दूसरा चीज ये डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितना किलो का पैदा हुआ है। कई बार 1.9-1.8 केजी के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनका ताकत कम होता है, तो सकिंग का भी पावर कम है, तो थोड़ा लंबा फीडिंग सेशन चल सकता है। अगर आपका बच्चा 3, 3.5, 4 किलो का पैदा हुआ है तो उसका सकिंग का जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। तीसरा चीज, आपका लैच कितना सही है। सोचो अगर आपके बच्चे का लैच परफेक्ट है तो आपका बच्चा जब भी सक करेगा तो दूध भी बहुत अच्छे से आएगा। अगर आपका बच्चा शैलो लैच पे है तो बूंद बूंद से दूध निकल रहा है तो उतना ही दूध पीने के लिए 1 घंटा लग सकता है जितना दूध 10 मिनट में पिया जा सकता था। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके बच्चे को भूख ही नहीं लगी है तो ब्रेस्ट फीडिंग का ड्यूरेशन बहुत लंबा हो सकता है। शायद भूख नहीं लगी है तो इसका मतलब क्या है, आपको पता है रिसेंटली एक मदर कंसल्टेशन के लिए आई थी, वो क्या कर रही है पता है, बच्चे को हर आधे घंटे बाद ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है। क्यों श्रेया? बिकॉज उसका बच्चा रिफ्लक्स दे रहा है तो हर आधे घंटे बाद ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है। बच्चे का वेट गेन पता है कितना है,
जितना वजन 5 महीने में बढ़ना चाहिए था वो 2.5 महीने में ही बढ़ गया है। कैसे श्रेया? ओवर फीडिंग द चाइल्ड। बट ये माँ के दूध से ही था इसलिए मैंने उनको डांटा नहीं, बट मदर पूरी एग्जॉस्टेड थी। मदर को ऐसा लगता था श्रेया मेरा बच्चा सिर्फ रात में अच्छे से दूध पीता है। कैसे? रात में मेरा बच्चा 1 घंटे दूध पीता है, मतलब अच्छे से दूध पीता। दिन में मेरा बच्चा सिर्फ 10 मिनट दूध पीता है, मतलब अच्छे से दूध नहीं पीता, तो मुझे हर आधे घंटे बाद दूध पिलाना है। ओए ऑल ऑफ यू, हम मदर है, दूध देने वाली मशीन नहीं है, और बच्चा जो है वो इंसान का बच्चा है। इसका मतलब क्या है? ये जो थोड़े से एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया, ये आपको समझाएंगे कि बच्चा कितना देर दूध पिएगा ये डिसाइड नहीं करता है कि आपके बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ बच्चे 5 से 10 मिनट 1 सेशन ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं, और कुछ बच्चे 30 मिनट तक ब्रेस्ट फीडिंग एक्सटेंड कर सकते हैं। बस 30 मिनट से ज़्यादा अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग करना पड़ रहा है तो कुछ तो भी बहुत ज़्यादा गलत है। माइट बी आपको आपके जर्नी में मुझसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है या किसी और लैक्टेशन एक्सपर्ट से बात करने की ज़रूरत है। अगर 30 मिनट में मैक्सिमम बोल रही हूँ बच्चे का पेट नहीं भरता है तो फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए? आइडियली 30 मिनट के बाद आपका दूध निकाल के बच्चे को पिला दो। अगर आपके पास दूध नहीं है, आपको कैसे निकालना पता नहीं है, तो फिर आप लोग बच्चे को फॉर्मूला भी दे सकते हो। हाँ श्रेया, मैंने ना गाय का दूध देना चालू कर दिया। मत देना, गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए सही होता है, इंसान के बच्चे के लिए गाय का दूध सही नहीं होता है। सो अगर 30 मिनट से ज़्यादा आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तो आपको 30 मिनट के बाद डिटैच करवाना है बच्चे को, और आपको बच्चे को एक्सप्रेस्ड मिल्क 10 से 20 ml, ऑब्वियसली ये जो क्वांटिटी है दूध का ये बच्चे के एज के ऊपर डिपेंड करता है, या तो फिर आपको बच्चे को फॉर्मूला देना है 10 से 20 ml। श्या मेरा बच्चा एकदम 10 मिनट दूध पी रहा है तो फिर आपको ऑब्जर्व करना है 10 मिनट दूध पीने के बाद क्या मेरा बच्चा पीसफुल है? हाँ। क्या मेरा बच्चा कंटेंडेड है? हाँ। क्या मेरे बच्चे ने 10 मिनट नॉनस्टॉप दूध पिया है? हाँ। क्या मेरे बच्चे का सुसु काउंट 5 से ज़्यादा है? हाँ। क्या मेरा बच्चा एटलीस्ट 45 मिनट्स का गैप ले रहा है 2 फीडिंग सेशन के बीच में? हाँ। क्या मेरा बच्चा प्लेफुल है? हाँ। तो फिर वो 10 मिनट का फीड भी आपके बच्चे के लिए काफ़ी है। सो इसीलिए इस कन्फ्यूजन में कभी भी मत जाना कि मेरा बच्चा कम ड्यूरेशन के लिए दूध पीता है या मेरा बच्चा ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए दूध पीता है, तभी उसका ब्रेस्ट फीडिंग सही है। अब जानते हैं इसके रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिथ्स एंड ट्रूथ्स। पहले जानेंगे ट्रूथ्स। आप सबके सब लोग, आपका बच्चा जितना भी देर दूध पीता है, अगर उस पूरे ब्रेस्ट फीडिंग के ड्यूरेशन में आपको निप्पल में बहुत ज़्यादा दर्द है, आपका बच्चा गलत दूध पी रहा है। अगर आपका बच्चा 1-1 घंटा दूध पी रहा है, ऐसे मुँह में से आवाज़ें निकाल रहा है, बच्चा निप्पल के साथ खेल रहा है, बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा है, तो बच्चा जितना भी देर दूध पी रहा है वो एक्चुअली आपके निप्पल के साथ खेल रहा है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप में से किसी को ऐसा रियलाइज़ होता है कि श्रेया मेरा बच्चा मुँह लगाता है छोड़ता है तो मेरा 1 घंटा तो इसी में चला जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका जो ब्रेस्ट का होल्ड है वो सही नहीं है, या ब्रेस्ट टू मच कड़क है, इसके लिए बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है। एंड चौथा और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपका बच्चा सो नहीं रहा है, इसका मतलब आपके बच्चे ने दूध नहीं पिया है, उसने ज़्यादा देर दूध पीना ही चाहिए, दैट्स अ कंप्लीट मिथ। याद रखो, आपके रिलेटिव, आपके पड़ोसी, आपकी बहन, आपकी देवरानी, आपकी जेठानी, आपकी ननद, वो जितने टाइम के लिए उसके बच्चे को दूध पिलाती थी उतने टाइम के लिए आपने आपके बच्चे को दूध पिलाने का कोई कंपल्शन नहीं है, तो आपको वैसा कुछ भी नहीं करना है। सो ये वो सारी बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग के 1 सेशन का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, और बच्चे ने 30 मिनट से ज़्यादा लंबा फीडिंग करना ही चाहिए, इट्स अ कंप्लीट मिथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप अगर ये बात समझ जाओगे तो बहुत पीसफुल मम्मा बनके ब्रेस्ट फीडिंग का जर्नी आगे कंटिन्यू कर पाओगे। अगर आपको आपके ब्रेस्ट फीडिंग के जर्नी में मेरा हेल्प चाहिए तो डू गेट इन टच विद अस ऑन www.mymjagar.com। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।